हाँ जी सर, किस किस टाइप के अपन बनाते हैं थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। ऑफिस केबिन हो गया है सर, अपना टॉयलेट केबिन हो गया है। हाँ जी, सारे तरह के बनाते हैं सर, लेबर कॉलोनी बनाते हैं। अच्छा अच्छा जी, अकोमोडेशन वाले केबिन हो गए हैं। अच्छा, ये इसमें तो पूरा ऑफिस बन रहा है? पूरा ऑफिस बन रहा है सर, यहाँ इसका रनिंग वर्क चल रहा है, इलेक्ट्रिक फिटिंग हो रहा है। हाँ जी, सीलिंग फैन लग गए हैं, वेरी गुड, LED लाइट लग चुकी है। जी साहब, ये अभी कितने केबिन अपने पास और नए तैयार हो रहे हैं सर? ये सर अपना मास्टर डीलिंग का अभी अपने को 10 केबिन का ऑर्डर मिला है। इसके पीछे चलेंगे एक 10x10 का बन रहा है। अच्छा, इसके पीछे एक 10x8 का बन रहा है, उसके पीछे चलेंगे तो एक 10x20 का बन रहा है। वेरी गुड। ये कंटेनर क्या साइज का सर? ये सर 10x30 का साइज है इसका। हाँ जी जी, क्या बजट का पड़ा ये? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? जैसा कि काफी कमेंट आ रहे थे कंटेनर का वीडियो वापस बनाओ, कंटेनर का वापस बनाओ, हमें डिटेल जानकारी लेनी है, मैं आ गया हूँ वापस कंटेनर के कारखाने पर। आप देख पाएंगे पीछे कंटेनर है और क्रेन भी आ गई है और अभी लोडिंग का काम भी चल रहा है। और बिल्कुल मैं आपका परिचय करवाता हूँ यहाँ के मालिक से और पूरी डिटेल जानकारी अपन लेते हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया, ठीक है, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। हाँ जी सर नमस्कार। हाय नमस्ते सर, अपना परिचय दीजिए। शुभ नाम सर? महेश, जयपुर पोर्टेबल केबिन। अच्छा, जयपुर पोर्टेबल केबिन से। जी बोलिए सर। वेरी गुड वेरी गुड सर, तो आप ये कितने टाइम से कर रहे हैं सर कंटेनर का काम अपना? ये सर मेरे को 5-6 साल हो गया है यहाँ। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ का अपना माल जाता है? यहाँ अपना सर ऑल इंडिया जाता है। अच्छा, ऑल इंडिया जाता है। जी जी वेरी गुड। तो आपने थोड़ा ये एड्रेस बता दीजिए, अपने फर्म का एड्रेस कहाँ है सर? अपना फैक्ट्री राजस्थान के अंदर है। हाँ जी। अपना राजसमंद जिले के अंदर। हाँ जी। हिंदुस्तान जिंक दरीवा महीस के पास, रेल मंगरा में। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी कितने कंटेनर लोड हो रहे हैं सर ये? ये अभी सर अपना श्री सीमेंट कंपनी है। हाँ, अपना जेतारण रास के अंदर। हाँ, वहाँ अभी 3 केबिन लोडिंग हो रहा है। अच्छा, अभी 3 केबिन लोड हो रहा है ना? जी, 10x30 का 3 केबिन है, उसके अंदर 3 रूम है। हाँ जी जी, वेरी गुड। तो ये अभी क्रेन से लोड हो रहा है, बिल्कुल आप जी अभी लिफ्टिंग करेंगे। हाँ जी, फिर गाड़ी के ऊपर इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन चीज जैसे अपन बात कर रहे थे, एक तो ये इसमें ऑफिस बनता है, क्या बनता है सर? ये ऑफिस केबिन बनता है, जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं पीछे। हाँ ठीक है। ये सर अपना 40 फीट का 10x40 का केबिन बन रहा है। ओके। इसके अंदर 3 रूम 3 टॉयलेट का है। ये अपना दरीबा के अंदर मास्टर ड्रिलिंग कंपनी है, उसके अंदर पूरा कॉलोनी बन रहा है। अच्छा, ये पूरा कॉलोनी जाएगा? पूरा कॉलोनी बन रहा है। तो इसमें तीन के लिए जो ये पहले अपना स्ट्रक्चर का बेस जो तैयार करते हैं। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद बाकी का काम, जैसे साइड में पत्रा लगाना है, शीट लगाना है। वेरी गुड। फिर अंदर अपना इंसुलेशन होता है। अच्छा, इंसुलेशन। अभी आप अंदर चलेंगे तो मैं बताता हूँ आपको अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हाँ जी। अंदर चलेंगे तो पाइपिंग का पूरा फ्रेमिंग होता है। ये पूरा जैसे टॉयलेट बन रहा है, टॉयलेट का फ्रेमिंग है। ओके। उसके बाद नीचे फ्लोरिंग में सीमेंट शीट लगा हुआ है। ऊपर के ऊपर आपको ये रूफ में शीट लगा हुआ मिलेगा। वेरी गुड। नीचे फ्लोरिंग में सीमेंट शीट लगा हुआ है। अच्छा ठीक है। इसके बाद इंसुलेशन ग्लास उल डाल के साइड में प्लाई लगाया जाएगा। हाँ जी। और नीचे फ्लोरिंग में कारपेट, फिर इलेक्ट्रिक फिटिंग का वायरिंग करके इलेक्ट्रिक फिटिंग होगा। ये भी काम चल रहा है, इसका कंप्लीट केबिन भी आपको अभी दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल, अंदर से खोल के दिखाएंगे कि बनने के बाद कैसा बनता है ना। अभी आपको पूरा बनते हुए दिखाएंगे, इससे आपको ये लगेगा कि भाई हम ओरिजिनल कंपनी में ही आए हुए हैं। जी साहब, ये अभी कितने केबिन अपने पास और नए तैयार हो रहे हैं सर? ये सर अपना मास्टर डीलिंग का अभी अपने को 10 केबिन का ऑर्डर मिला है। हाँ जी जी, अभी ये 10 केबिन और तैयार हो रहे हैं ना? जी जी जी। और ये और अलग तैयार हो रहे हैं, ये कोई अलग कंपनी का ऑर्डर आपका है? हाँ, वो आगे जो अभी लोडिंग कर रहे हैं, जो कंप्लीट हो गया है, वो श्री सीमेंट कंपनी का है। हाँ जी हाँ जी। अपना जेतारण रास के अंदर इसका प्लांट है, वहाँ ये केबिन डिस्पैच हो रहे हैं। वेरी गुड जी। तो अभी जैसे मान लो अपन कोई केबिन वो एक खोल के देख लेते हैं अंदर से, कैसे कौन सा? हाँ, देख सकते हैं कंप्लीट वाला कोई भी। अभी आपको मैं एक टॉयलेट केबिन दिखाता हूँ। हाँ, ये टॉयलेट केबिन देख लेते हैं जो हिंदुस्तान जिंक के अंदर जाएगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, ये सर मेन डोर है। ओके। ओपन करने पे आपको बेसिन, यूरिनल, EWC पूरा कंप्लीट आएगा सर। 6x4 इसका साइज है और एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। लगा हुआ है बिल्कुल, पूरा कमोड लग रहा है, यूरिनल भी लग रहा है, वॉश बेसिन भी लग रहा है। ऊपर बाहर MCB दिया हुआ है, इसमें मेन लाइन आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये सर जैसे क्या साइज का बना हुआ है, क्या इसकी क्या साइज होगी? ये 6x4 का है सर। 6x4 का है ना? जी जी सर। क्या कॉस्ट आएगा? कॉस्ट आएगा सर 75,000 रुपए प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट रहेगा सर। अच्छा, 75,000 प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट है ना सर? जी बिल्कुल सर। तो और ये पास में केबिन बना सर, इसका अगर हो तो अपन खोल के देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सर अभी रनिंग में चल रहा है। अच्छा, इसका ये पूरा अपना ऑफिस केबिन है। अच्छा, ऑनलाइन काम चल रहा है इसका ना? जी जी। वेरी गुड, इसको दिखा देंगे। आइए सर, ये अंदर अपनी कॉन्फ्रेंस केबिन का काम हो रहा है। हाँ जी। इधर आगे चलेंगे तो अपन यहाँ पे। अच्छा, ये इसमें तो पूरा ऑफिस बन रहा है? पूरा ऑफिस बन रहा है सर, यहाँ इसका रनिंग वर्क चल रहा है, इलेक्ट्रिक फिटिंग हो रहा है। हाँ जी। सीलिंग फैन लग गए हैं। वेरी गुड। LED लाइट लग चुकी है।
इसमें तो काफी टेबल लग रहा है। हाँ, सभी टेबल के ऊपर नेट पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, नेट पॉइंट दिया। कितने टेबल है सर इसमें? कितने टेबल है इसमें सर? इसके अंदर सर 18 मेंबर का सीटिंग दिया हुआ है। अच्छा, 18 मेंबर का सीटिंग। जी जी जी। अच्छा, ऊपर फाइल बॉक्स भी, फाइल बॉक्स सबका पर टेबल के ऊपर के हिसाब से दिया हुआ है। वेरी गुड। फर्नीचर सर ये अपना एमडीएफ बोर्ड का बना हुआ है। अच्छा, ये ड्रॉ है इसका सर। वेरी गुड। ये स्टोरेज है सर नीचे वाला। अच्छा, सबका लॉक की भी कर रखा है आपने, ताकि अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रह सके ना सर? जी जी, डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल्कुल व्यवस्थित काम कर दिया आपने। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसमें वो खींचने वाला, वो कीबोर्ड वाला, वो सर नहीं लगाया है इस बार। अच्छा, क्या कि प्रॉपर चेयर अंदर जाने की वजह से, इसको की प्रॉपर चेयर अंदर लग जाए, इसके हिसाब से अपना कीबोर्ड का नहीं दिया है प्रोविजन। ऐसे अंदर आप चेयर पूरा प्रॉपर लग जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शानदार, पूरा व्यवस्थित जगह का स्पेस। अभी सर इसका क्या है कि थोड़ा काम बाकी है, तो एक दो दिन में इसका कंप्लीट हो जाएगा। एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या साइज का बना हुआ है सर? ये सर 12x40 इसका साइज है सर। हाँ जी जी। तो ये जैसे इसमें स्टाफ मेंबर्स के लिए, ये ऑफिसर बॉस के लिए, ये सर अपना कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए अलग से दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ नेट का पॉइंट सबका दिया हुआ है, पूरा कनेक्टिविटी दिया हुआ है दोस्तों। सब देखे, हर टेबल के ऊपर नेट पॉइंट, पूरा केबल इन्होंने निकाल रखा है, लैन केबल। जी जी, और बिल्कुल व्यवस्थित काम इन्होंने कर रखा है। जी साहब, और बताइए। आगे चलेंगे सर, अपना ये स्ट्रक्चर अभी और बन रहे हैं। हाँ जी। जैसे ये अपना 8x30 का हो गया है। ओके। इसके बाद एक 10x20 का बन रहा है। हाँ, ठीक है। इसके पीछे चलेंगे, एक 10x10 का बन रहा है। अच्छा। इसके पीछे एक 10x8 का बन रहा है। उसके पीछे चलेंगे तो एक 10x20 का बन रहा है। वेरी गुड। और ये आपके लोडिंग भी स्टार्ट हो गया। हाँ, इसे ये उधर लिफ्टिंग बेल्ट कंप्लीट हो गया है सर। हाँ जी। ये दोस्तों, जैसे कि आप देख पाएंगे, केबिन है, मतलब कंटेनर केबिन जिसको अपन बोलते हैं, ये क्रेन से इन्होंने पूरा बांध के और पूरा कर दिया है। और ये इसको ऊपर उठा रहे हैं, देख पाएंगे आप पूरा। हाँ जी सर। जी सर। ये कहाँ जाएगा सर? ये भी, ये सर अपना श्री सीमेंट प्लांट जेतारण रास के अंदर जो इसका प्लांट है सीमेंट। हाँ जी, वहाँ जाएगा सर। अच्छा, ये पूरा जा रहा था। ये कंटेनर क्या साइज का सर? ये सर 10x30 का साइज है इसका। हाँ जी जी। क्या बजट का पड़ा ये? ये सर आपको सर अपना 3,30,000 प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट पड़ेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो देख पाएंगे सर, ये 10x30 का केबिन पूरा लोड होने के लिए तैयार है। और पूरा ये बिल्कुल क्रेन से और व्यवस्थित काम, पूरा फैक्ट्री से डायरेक्ट सेठ जी से मिलवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? और आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, ठीक है ना? और लंबा चौड़ा काम है इनका, और ऑल इंडिया में इनकी सप्लाई होती है दोस्तों। पूरा लाइव प्रोसेस देख पा रहे हैं आप, डायरेक्ट की पूरा कंटेनर लोड हो रहा है आपके सामने। एक क्रेन से और बिल्कुल व्यवस्थित अभी लोड करते हुए आपको डायरेक्ट दिखाएंगे, और पीछे गाड़ी है, ठीक है ना? लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं पूरा कंटेनर लोड करते हुए। तो सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मान लो ऑल इंडिया से कोई भी ऑर्डर करे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है क्या? जी जी, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा। आप अपना वेबसाइट है गूगल के ऊपर। हाँ जी। जयपुर पोर्टेबल केबिन सर्च करेंगे तो अपना उस पर, आपको मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। हाँ जी, आप उस पर अपना इंक्वायरी दे सकते हैं। अच्छा, डिलीवरी का क्या सिस्टम रहता है? क्या डिलीवरी सर अपना साइज के हिसाब से है। छोटा केबिन है तो 7 डेज में हो जाएगा, उससे बड़ा है तो 20 डेज हो जाएगा। हाँ जी, जैसा है वैसा काम। ऑल इंडिया डिलीवरी अपन करते हैं। जी, ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी का चार्ज GST एक्स्ट्रा रहता है ना सर? GST और ट्रांसपोर्ट अलग से है सर। बिल्कुल सर। तो अपन जैसे मान लो आप कोई बाहर से कुछ जुड़ता है, और आप ग्राहकों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए कुछ? सर अपना तो ये कि कस्टमर का जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे उसको काम करके देना है। Okay. कि वो उसका अपना अच्छे से काम यूज ले सके केबिन को। वेरी गुड। अपना ये कि मटेरियल अच्छा यूज करें तो आगे से। हाँ जी सर, परिचय करावाइए इनका। जी, अपने सर प्लाई का काम करते हैं, विकास चौधरी इनका नाम है। अच्छा अच्छा। ये अंदर जो अपना इंसुलेशन और प्लाई का पूरा काम है वो यही करते हैं। अच्छा, कहाँ से हो सर आप? यूपी से। अच्छा, कितने हो गए आपको काम करते करते? लगभग हो गया 4 साल। अच्छा, तैयार होने में कितने दिन लग जाते हैं? बिल्कुल लगता है 3-4 दिन लगेगा। 3-4 दिन में तैयार कर देते हो? काम की क्वालिटी कैसे रहती है आपकी? अच्छा रहता है। अच्छा, ये कंटेनर आपको ऑर्डर देने कितने टाइम बाद आप रेडी कर देते हैं सर? ये सर अपना जैसे साइज के अकॉर्डिंग है, 10x20 का रहेगा तो 7 डेज में इसका हो जाएगा काम। अच्छा, 7 डेज में हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी प्राइस स्क्वायर फीट पे चलती है या कैसे क्या चलती है? ये सर अपना 1200 रुपए स्क्वायर फीट इसका स्टार्टिंग रेट है। हाँ जी। अपना टॉयलेट अंदर बनाना है तो उसका 20,000 रुपए एक्स्ट्रा है। ओके। और किचन और पेंट्री का अंदर जैसे काम होता है तो उसका एक्स्ट्रा प्राइस है जो भी है। ओके। तो कुल मिला के आप अगर कोई ऑनलाइन देना चाहे ऑर्डर तो दे सकते हैं? हाँ सर, ऑनलाइन ही ऑर्डर होता है हमारा, वेबसाइट है हमारा। हाँ जी, गूगल के ऊपर आप जयपुर पोर्टेबल केबिन अपना सर्च करेंगे तो अपना
फैक्ट्री आ जाएगा उसकी। अच्छा जयपुर अपना सर और भी ब्रांच है, इंदौर के अंदर है इंदौर पोर्टेबल केबिन करके, हाँ जी अपना गुजरात के अंदर है सूरत के अंदर है गुजरात पोर्टेबल केबिन करके, और अपना जयपुर के अंदर उदयपुर पोर्टेबल केबिन करके अपना और भी ब्रांच है। वेरी गुड। तो सर अभी तक अपन कितने कंटेनर कितने डिस्ट्रिक्ट स्टेट में अपन सप्लाई कर चुके हैं? ये सर अभी अपना देखो 15 साल से अपना सूरत में पहले काम है। ओके। उससे पहले बॉम्बे में था। वेरी गुड। और अभी अपना यहाँ राजस्थान में भी है। हाँ जी। 6 साल हो गया है, 2 साल अपना जयपुर में हो गया है। ओके। 3-4 साल अपना इंदौर में हो गया है इसको। नहीं जैसा कि ये सौर ऊर्जा के अभी पता चला मेरे को जैसलमेर में, ये काफी कंपनियों में आपके जी, 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 अडानी अडानी का जो अपना प्रोजेक्ट सोलर का जो चल रहा है जैसलमेर के अंदर, हाँ जी वहाँ भी अपने केबिन गए हुए हैं सब। वेरी गुड जी। तो सर ये जैसे मान लो ऑल ओवर कोई बल्क में ऑर्डर देना चाहे कैसे क्या सारा सिस्टम? ये सर आपको अपना वेबसाइट पे आपका इंक्वायरी भेजना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोटेशन दिया जाएगा जो भी अपना रेट फाइनल होता है उसके अकॉर्डिंग। जी सर अब कस्टमर्स के लिए आप और कोई अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। सर ऐसा है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट है वैसे उसका काम हो जाना चाहिए। ठीक है यही है। अच्छा अच्छा। और एड्रेस अपना एक बार पुनः पुनः बताइए। अपना एड्रेस अपना रेल मंगरा राजसमंद राजस्थान है सर। ओके ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना राजसमंद में है राजस्थान के अंदर। अच्छा अच्छा। जो लोग फोन ज्यादा करते हैं उनको कहें व्हाट्सएप मैसेज करें आपका रिप्लाई मिलेगा ना? व्हाट्सएप नहीं सर अपना मेल आईडी में कर देंगे चलेगा। अच्छा मेल आईडी चलेंगे। हाँ वो कई बार क्या है कि फोन का रिप्लाई नहीं हो पाता कहीं इधर उधर बिजी रहते हैं तो उसके बारे में जी, ना जी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और ट्रांसपोर्टेशन के साधन तो अपने पास कहाँ कहाँ अवेलेबल है सर थोड़ा उसके बारे में? ऑल इंडिया में आपको जहाँ चाहिए ट्रांसपोर्ट का सुविधा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल इनका शानदार हाईवे के ऊपर ही बिल्कुल इनका ऑफिस है कारखाना है ये अपना हिंदुस्तान जिंक, ये हिंदुस्तान जिंक गली वाला रोड है ना उसके ऊपर है। और ये देख पाएंगे आप पूरा इन्होंने बाहर का ये लगा रखा है जयपुर पोर्टेबल कंटेनर। ठीक है ना सर ये पूरा कारखाना है इनका। जी सर ये खड़े कंटेनर है गाड़ी लोड हो रही है दूसरी खाली तैयार है।